भाई जैसे आदमी खाने के बिना नहीं रह सकता है ना, वैसे मैं YouTube पे वीडियो बिना बनाए नहीं रह सकता। कुछ भी हो जाए, ड्यूटी जा रहा था, सोचा बना ही दूं और हाँ कुछ लोगों को जवाब भी दे दूं। तो भैया आपको अगर खराब लगता है मेरा वीडियो बनाना तो भाई मत देखो। कितनी बार कहा कि मेरे वीडियो ना देखो, तुमको पसंद नहीं है। मैं नहीं कहता कि देखो, और रही बात नाम की, तो मैं करके दिखा दूंगा, अगर जिंदा रहा तो करके दिखा दूंगा, नहीं तो फिर खल्ली बल्ली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे को सुकून मिलता है अगर वीडियो बना के, तो तुम चाहे खोपड़ी बल खड़े हो जाओ, ये रुकने वाला मैं से तो हूं नहीं। मैं सही बता रहा हूँ, YouTube नहीं छूटेगा भले ही सांस छूट जाए। कितनी बार कहा है कि तुम कहते हो कि ये अनु चुन्नी के नाम से पहचान बनाएगा, चुन्नी जो करके जाना था चली गई, ये ऐसा कुछ। तुम कितनी बार नाम लेते हो उनका, दिया है कभी? नहीं लिया है ना, तो फिर अपने से मतलब रखो। आप जो कर रहे हो आप बिंदास करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ उसमें टांग मत अड़ाओ। मैं बच्चा हूं नहीं, निप्पल में दूध पीता हूँ, मुझे सब पता है सही क्या है गलत क्या है, ठीक है। तो वैसे भी ज्यादातर खोपड़ी ऑफ रहती है, अलोन रहता हूँ, सब चीजें देख के मैं करता हूँ, ठीक है, आगे पीछे सब देख के करता हूँ। मैं एक नहीं मल्टीपल चैनल बनाऊंगा, जिसमें एक बार रास्ता खुल गया ना बस उसी को पकड़ लूंगा, फिर दिखाऊंगा। इससे पहले मैं छोड़ दूं ऐसा हो नहीं सकता, कुछ भी हो जाए। ये तो एक जर्नी है, जीरो से स्टार्ट होती है, पता नहीं कब कहाँ पहुंचे मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मेरे को वीडियो बना के सुकून मिलता है, ठीक है। सारी चीजें शेयर करना, लोगों से अकेले बात करना, ये भी बेस्ट लगता है, क्योंकि मुझे क्या करना है मुझे पता है। आज अगर मैं ये कर रहा हूं तो कल क्या करूंगा मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मैं वीडियो बनाना नहीं छोड़ूंगा, ये तो पक्का पता है मेरे को। तो हर चीजें होती हैं, अभी कोई स्किल नहीं पकड़ा, मतलब कोई एक टॉपिक पकड़ लूंगा, जिस दिन उस दिन उस पर लग जाऊंगा। तो सोच मैं भी रहा हूं, क्योंकि इतना आसान नहीं होता। तुम हलवा समझ रहे हो वीडियो बनाना, एक बार ऐसे कैमरा पकड़ना और बोलना तब पता चल जाएगा। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ जो मुझे ज्ञान दे रहे हैं, वो भी फालतू का, चाहे मेरे घर के हो चाहे मेरे बाहर के हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं जो करता हूँ मुझे पता है मैं क्या करता हूँ, ठीक है। तो बढ़िया है, आप जो कर रहे हो कमाओ खाओ मस्त रहो, वो अलग बात हो गई। मेहनत करना वो अलग बात हो गया। जॉब मैंने बोला है ना, जॉब मैं तब तक करूंगा, उसके लिए चाहे मुझे 1 साल जॉब करनी पड़े, 2 साल करनी पड़े, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तब तक करूंगा जब तक मैं अपना सेटअप नहीं सेट कर लेता। जिस दिन मैंने अपना सेटअप सेट कर लिया, फिर से 1 साल 2 साल मेरे को जो भी देना होगा यूट्यूब पर वो मैं दूंगा, क्योंकि मैं इसमें फ्यूचर भी देखता हूँ। कोई गलत बात नहीं है कि फ्यूचर देखना, मैं क्यों बोलूँ कि मेरे से नहीं होगा, भाई क्यों नहीं होगा। सबसे अच्छी चीज है कि इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी बोलने का तरीका, ये बहुत बेस्ट हो जाता है। डेली वीडियो बनाने से, कैमरे के सामने फेस करने से, ये सारी चीजें ना हेजिटेशन वगैरह दूर होती हैं। ये चीज तुम नहीं समझोगे, नहीं समझोगे, और मुझे बताना नहीं। कहते नहीं भैंस के आगे बीन में जाओ, भैंस खड़ी पगुरा है, तुम तो जानते हो बहुत अच्छे से। तो इससे अच्छा मैं सफाई नहीं दे रहा हूँ। हाँ रही बात माँ के नाम से पहचान बनाने की, तो जिंदा रहूंगा तो दिखा दूंगा, ये आप ध्यान से सुन लेना, ठीक है। मुझे ना जो करना होता है मैं वही करता हूँ, आप अपना ज्ञान अपने पास रखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। मुझे फर्क नहीं पड़ता तो तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है यार। तो इससे अच्छा अपने से मतलब रखो। मूड बहुत खराब हो जाता है जब कोई इस चीजें ऐसी चीजें कहता है कि मेहनत कर रहा है भगवान देगा। अरे यार क्या 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 ये सब क्या है यार, मेहनत तो दुनिया करती है ना। वीडियो बनाना भी एक मेहनत का ही है काम, और वहां पे जाके 12 घंटे ड्यूटी भी करना एक मेहनत का काम हो, तो तुम कर रहे हो तुमको भी पता होगा। तो ये सारी चीजें होती है। कहाँ अच्छा खासा हंसने खेलने वाला बंदा हो, ऊपर से तुम फालतू का ज्ञान बेल के पूरा साला मूड खराब कर देते हो। तो मूड ना खराब करिए, आप अपना काम करिए, जो मुझे सही लगता है मैं वो करता हूँ, ठीक है। और देखते हैं नाम कर पाता हूँ या नहीं, ठीक है। अगर कर पाता तो मैं आपसे जरूर मिलूंगा, नहीं कर पाऊंगा तो अभी तो जो चल रहा है चलने, तो जॉब तो कर ही रहा हूँ, अपना सुकून से वीडियो बना ही रहा हूँ। सिंपल सी बात है, वो आपकी बात सच हो जाएगी, तो ठीक है। तो हाँ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो भी करना कर रहे हो ना वो बिंदास करो, किसी की मत सुनो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हाथी चलता है कुत्ते भौंकते हैं, उन पे बिल्कुल ध्यान न दो। जो तुमको करके मजा आए वो करके करो, ठीक है। बाकी किसी को नहीं पता है कि कब क्या हो जाए, तो जो तुमको सही लगे वो करते रहो बिंदास।